कैसे हो दोस्तों। मैं मोहम्मद नईम शेख तुम्हें ये बताना चाहता हूँ, कतरीना कैफ जिसका जन्म 16 जुलाई 1983 हांगकांग में हुआ था और जो ब्रिटिश एक्ट्रेस है, उन्होंने हिंदी लैंग्वेज की फिल्मों में काम किए और ये एक टाइम की सबसे ज्यादा फीस पाने वाली हिंदी सिनेमा की एक्ट्रेस थी। इसको 4 स्क्रीन अवार्ड्स मिला है, 4 जी सिने अवार्ड्स मिला है और 3 फिल्म फेयर अवार्ड्स के लिए नॉमिनेशन भी किया गया है। और इसको ज्यादा तवज्जो जो मिली थी, इसका जो आइटम नंबर्स था, क्योंकि डांस में ये बहुत माहिर है, बहुत महारत रखती है, इसकी वजह से इस पे ऑडियंस ने ज्यादा तवज्जो दी। अभी अभी इंडियन एक्सप्रेस के ऑनलाइन न्यूज़पेपर पे एक न्यूज वायरल हुई है कि कतरीना कैफ और उसका हस्बैंड विकी कौशल गेट थ्रेटनिंग मैसेज। इस तरीके से एक्टर विकी कौशल ने मंडे के दिन कंप्लेंट रजिस्टर की सांता क्रूज पुलिस स्टेशन, जो कि मुंबई में है, अगेंस्ट एन अननोन सोशल मीडिया यूजर फॉर एलिजली स्टॉकिंग हिज वाइफ एन एक्टर कतरीना कैफ एंड थ्रेटनिंग द कपल ऑफ ऑन इंस्टाग्राम पुलिस सेड। ये जो विकी कौशल है, उसने मंडे जो कंप्लेंट रजिस्टर की है सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में, उसमें उन्होंने बताया कि एक अननोन सोशल मीडिया का यूजर है जो के एलेजली स्टॉकिंग पीछा कर रहा है उसकी वाइफ का, कतरीना कैफ का, और ये जो कपल है जिन्होंने दिसंबर 2021 में शादी रचाए, उनको इंस्टाग्राम में थ्रेटनिंग भी दे रहा है, जिसकी वजह से सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में FIR रजिस्टर्ड हुई अंडर सेक्शन 502(2) क्रिमिनल इंटिमिडेशन एंड 354(D) स्टॉलकिंग पीछा करना ऑफ द इंडियन पेनल कोड IPC एंड सेक्शन 67 ट्रांसमिटिंग ऑब्सेन मटेरियल ऑफ द इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 यानी 2000, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 के तहत FIR रजिस्टर्ड हुई, जिसको मंजूनाथ सिंघे जो डिप्टी कमिश्नर ऑफ पुलिस जोन 9 है, उन्होंने मीडिया पर्सन को बताए। पुलिस ने बताया कि जो कौशल है, विकी कौशल है, उसने क्लेम किया है कि जो अक्यूज है, ये जो है थ्रेटनिंग मैसेज इंस्टाग्राम में पोस्ट कर रहा था अगेंस्ट हिम, विकी कौशल के खिलाफ, और ऑल्सो स्टॉल्किंग कतरीना कैफ यानी उसकी वाइफ का पीछा कर रहा था। एक्टर ने आगे क्लेम किया कि हेरेसमेंट जो थ्रेटनिंग है, ये पिछले कुछ दिनों से जारी थी, जिसकी वजह से उन्होंने डिसाइड किए कि अब पानी सर के ऊपर से बह रहा है और हमें पुलिस कंप्लेन करना चाहिए, और उन्होंने सांता क्रूज पुलिस स्टेशन में जाके कंप्लेन रजिस्टर्ड की। ये कहना है सांता क्रूज पुलिस स्टेशन का। कतरीना कैफ ने काफी नामवर फिल्मों में काम किए, जिनमें से कुछ नाम है टाइगर जिंदा है, भारत, जीरो, और कौशल जो है उसने भी फिल्मों में काम किया है लाइक ए मसान, संजू, राजी एंड उरी द सर्जिकल स्ट्राइक। तो लास्ट मंथ जिस तरीके से सलमान खान को भी थ्रेटनिंग का जो लेटर आया था लॉरेंस बिश्नोई की तरफ से, कि हम जिस तरीके से हमने सिद्धू मूसेवाले को जो हमने कत्ल किए थे, तो अब हम तुम्हारा भी कत्ल कर देंगे, तो उसकी वजह से सलमान खान फौरन अभी 2 दिन पहले ही कमिश्नर पुलिस को ग्रेटर मुंबई से मिले थे गन लाइसेंस के सिलसिले में। तो आप कतरीना कैफ और उसके हस्बैंड विकी कौशल को ये थ्रेटनिंग मैसेजेज आ रहा है, तो अब मुंबई पुलिस को स्ट्रिक्ट एक्शन लेना पड़ेगा और स्टेट के CM एकनाथ शिंदे को भी इस तरफ तवज्जो देना चाहिए, क्योंकि ये जो फिल्म नगरी मुंबई की बहुत पुरानी है और इससे गवर्नमेंट को बहुत ज्यादा टैक्सेस मिलता है और इनकी वजह से काफी पॉपुलैरिटी मिलती है मुंबई को और इनकम के भी अदर जराए मिलते हैं, बहुत सारे लोग इससे वाबस्ता है। अब इतने हाई प्रोफाइल लोगों को ऐसी धमकियां आएंगी, तो हो सकता है कि ये मुंबई से रुख साउथ
इंडिया की तरफ करे, जिसकी वजह से काफी स्टेट महाराष्ट्र स्टेट को नुकसान हुआ। तो अब एकनाथ शिंदे को इस बारे में मजीद सीरियसली सोचना होगा। खुदा हाफिज़।